तो गाइस अगर आप इस वीडियो पे हैं तो इसका मतलब आपको जीपीएस ट्रैकर अपने बुलेट में लगाना है और मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप से बताऊंगा कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे आप अपने बुलेट में लगा सकते हैं। तो गाइस इस बॉक्स में बेसिकली आपको एक जीपीएस मिलता है, एक रिले मिलता है एंड एक आपको इसका एक कपलर मिलता है जिसमें चार वायर्स हैं बेसिकली, और साथ में आपको एक सिम कार्ड मिलता है। सिम कार्ड आप एक्चुअली ये कुछ 1500-1600 के आसपास, 1600 रुपये के आसपास आता है टोटल, जिसमें सिम आता है लेकिन इसका रिचार्ज इंक्लूडेड नहीं है, आपको इसका रिचार्ज कराना पड़ेगा। इसके ऊपर कंपनी के डिटेल्स लिखे हुए हैं, नंबर लिखा हुआ है, आप इसको व्हाट्सएप कीजिए, आपको यूज़र नेम और सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आपको डायरेक्टली बताऊँगा कि आई एम श्योर आपके पास ये सब चीज़ें होंगी तो ही आप इस वीडियो पर आएँ। तो डायरेक्टली हम इसको फिट करते हैं। तो गाइस आपको इतनी लंबी वायर्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको काट लीजिए। तो ये मैंने काट लिए वायर्स, इतनी लंबी वायर्स की ज़रूरत नहीं है, जितनी छोटी होंगी उतना ही अच्छा है क्योंकि आपको ये हेडलैम्प पे फिट करना। तो गाइस अभी अब मैंने एनफील्ड का हेडलैम्प निकाल लिया है, ये आप इजीली निकाल सकते हैं, चार स्क्रूज होते हैं, आप चार स्क्रू को खोलिए और ये हेडलैम्प निकल जाएगा। आपको अंदर एक तो ये लाइट्स के वायर मिलेंगे, इनको आप छोड़ दीजिए। आपको इसमें बेसिकली जो चाबी वाला वायर होता है वो ढूंढना है। देखिए ये चाबी वाला वायर है, मैं आपको कैमरा थोड़ा सा और पास ला के दिखाता हूँ। तो ये आपका चाबी वाला सॉकेट है, ये मैंने निकाल दिया है इससे मेन प्लग से, और ये मेन प्लग आप अलग ही रखिए कि बैटरी से जो भी पावर आ रही है वो आपको पावर सप्लाई इसमें मिलती है, और ये आपका कीज़ का जो सॉकेट है वो है। देखिए गाइस अगर आप कीज़ वाले सॉकेट में करेंगे कुछ भी तो आपकी वारंटी भी वॉइड नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जो वायर है ये डायरेक्ट इंजन से, डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है, तो अगर आप इसको कट करते हैं या कुछ करते हैं तो आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो बेसिकली आपको मेन वायर ढूंढना है इंजन का, और ये वाला जो वायर है ये आपको डायरेक्ट बैटरी से मिल रहा है, और ये जो वायर है ये आपका कीज़ के थ्रू आ रहा है। तो आपको ये प्लग निकाल लेना है, मैंने अभी जस्ट निकाला ही है इसको। आपका मेन जो वायर होगा आपको या तो इसमें अलग से निशान दिख जाएगा, ये जो निशान दिख रहा है ये मेन वायर का है, यहाँ से मेन सप्लाई आ रही है। ये अगर आपकी कीज़ भी ऑफ होती हैं तो भी आपको इसमें पावर मिलेगा, और सेम आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए वाइट लाइन है। तो आप इसमें ढूंढ लीजिए, अगर आपको इसमें मार्किंग नहीं दी गई है तो आप इसमें बल्ब लगा के भी चेक कर सकते हैं। बल्ब का एक एंड इस पॉइंट पे लगाओ और दूसरा एंड सेम जो पॉइंट उसमें जाएगा उसमें लगाओ, अगर वो जल जाता है तो दैट इज़ अ मेन वायर, आपको कीज़ ऑफ रखनी है। तो अभी हम जो भी काम करेंगे वो इस वायर पे करेंगे। बेसिकली आप अगर इस वायर पे काम करते हैं तो आपकी वारंटी भी वॉइड होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम रिले के साथ काम कर रहे हैं, आप बिना रिले के भी लगा सकते हैं गाड़ी में, आपको बस दो बैटरी के कनेक्शन देने पड़ेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। पर हम अभी जो कनेक्शन लगा रहे हैं हम रिले के साथ लगा रहे हैं, अभी जो हम कनेक्शन लगा रहे हैं वो रिले के साथ लगाएंगे, क्योंकि अगर आप बिना रिले के लगाओगे तो उसमें आपको इंजन कब स्टार्ट हो रहा है, कब ऑफ हो रहा है वो नहीं पता चलेगा। तो रिले से आपको मेन इंजन का स्टेटस भी पता चलता है मोबाइल में, तो इसलिए हम इंजन रिले भी यूज़ करेंगे। देखिए गाइस मेन वायर को चेक करने का एक और तरीका, मैंने ये लैंप बना लिया है, इसमें एक वायर को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ये पॉइंट है जो आपको मेन सॉकेट से आ रहा है, ये आपको मेन बैटरी कनेक्शन से आ रहा है ये वाला। अगर आप इसको अर्थ पे टच करेंगे तो देखिए आपका लैम्प जल रहा है, देखिए आपका लैम्प जल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला मेन कनेक्शन है जो विदाउट करंट भी चलेगा। तो आपको वाइट और एक ग्रीन, ये दो वायर, जो सेंटर वाला ग्रीन है वो आपको लगाना है, आप साइड वाला ग्रीन मत लगाइए, सिर्फ सेंटर वाला ग्रीन लगाना है आपको। आप कोई भी लगा सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी के लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, सिर्फ सेंटर वाला लगाते हैं। आपको ऑलरेडी इसमें कटिंग मिलती है, आप बस खींच के उनकी वायर निकालिए और इन दोनों को आप साथ में जोड़ दीजिए। जो भी डायरेक्ट कनेक्शन होगा वो हमें इस वायर में चाहिए, इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं। अगला काम जो आपको करना है, ये जो जीपीएस का कपलर मिलता है आपको साथ में, इसका रेड वायर, मेन वाला वायर जिसमें फ्यूज़ भी लगा हो, वो आपको उन्हीं दो वायर के साथ में जोड़ लेना है। हमने ग्रीन और वाइट जोड़ा था, इसी के साथ में आप इसको जोड़ लीजिए। तो ये आपका तीन वायर का कनेक्शन बन गया, जो कि आप मेन वाले प्लग में लगाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो अब गाइस कपलर का येलो वाला वायर, जीपीएस कपलर का आपको जो येलो वाला वायर मिलता है
और जो रिले वाला येलो वायर है इन दोनों को जोड़ लीजिए। गाइस कनेक्शन होने के बाद प्लीज़ उस पर अच्छे से टेपिंग कीजिएगा, क्योंकि एक भी कनेक्शन से अगर शॉर्ट या कुछ होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर आप इसको अच्छे से टेप कर लीजिए। एक बार कनेक्शंस फिट होने के बाद में जब आपको लगे सब कुछ सही है तो आराम से कीजिए। तो गाइस अभी रिले के अंदर सिर्फ एक ग्रीन वायर बचा है, ये ग्रीन वायर अभी के लिए हम पील कर लेंगे और उसको बाद में फिट कर लेंगे। तो गाइस अभी मेन मेन कनेक्शंस आपके हो चुके हैं, रिले और कपलर मिल चुका है, हम इसको फिट करने का देखेंगे। तो गाइस इसका जो मेन वायर है अभी इसमें सप्लाई नहीं है, मैं एक बार दोबारा आपको बता दूँ, ये वाला मेन बैटरी वाला प्लग है, ये वाला सॉकेट की से आ रहा है। तो हमें जो की वाला सॉकेट है उसकी वायर को कट कर लेना है। तो गाइस मेन वाला सॉकेट जो वायर की से आ रहा है उस वायर को आप काट लीजिए बीच में से ऐसे। तो वायर्स को हमने पील कर लिया है, अभी हम जो तीन वायर का जॉइंट था जो कि आपका रेड ग्रीन और वाइट से मिल रहा था, दो आपके रिले से वायर आ रहे थे और एक मेन वाला वायर था, वो आपको मेन वाले सॉकेट पे मतलब नीचे वाले पे अटैच कर। तो नीचे वाले वायर पे इसलिए क्योंकि जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो मेन सप्लाई आपको नीचे वाले वायर में मिलेगी, ये आपका पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा बैटरी से एंड देन आपको सप्लाई जो मिलेगी वो मेन वाले वायर में मिलेगी। तो ये जो तीन वाला जॉइंट था वो हम मेन वाली वायर में लगा देंगे। अब जो ग्रीन वाली वायर है जो रिले से आ रही थी सिंगल, जो सिंगल बच गई थी, आप उसको दूसरे एंड पे लगा दीजिए। तो गाइस रिसेंटली मैंने ये अभी अपनी कार में भी लगाया था, उससे कनेक्शन थोड़े डिफरेंट है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा उसके। मेरे पास एक डायग्राम बना हुआ है और बुलेट में जब मैं लगा रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, हालांकि कनेक्शंस दिए होते हैं एक्चुअली, फिर भी उससे इतना क्लैरिटी नहीं आता है जितना वीडियो से आता है। तो गाइस ग्रीन वाला सिंगल वायर हमने दूसरे एंड पे लगा लिया है और जो हमने तीन वायर का सॉकेट बनाया था, तीन वायर का जॉइंट बनाया था, वो मैंने बेस वाले में लगा लिया। बस अभी आपके पास दो वायर है, एक ऑरेंज और एक ब्लैक। ब्लैक का हम बाद में देखेंगे, हम ऑरेंज का पहले देखते हैं। तो गाइस जो वायर हमने कट की थी उसके साथ में जो दूसरी वायर है उसके बीच में आपको हल्का सा एक कट लगा लेना है, आपको पूरी काटनी नहीं है वायर। बस दोबारा से कह रहा हूँ, आपको पूरी वायर नहीं काटनी है, आपको सिर्फ हल्का सा कट लगाना है जिसमें आप ऑरेंज वाली वायर को फिक्स कर सकें। तो मैं उसमें हल्का सा कट लगाता हूँ अभी। तो गाइस अगर आपको कट नहीं लगाना तो आप इस सॉकेट से इस पिन को भी निकाल सकते हैं, जो कि मैंने अभी डिस्कवर किया, और आप इसमें वायर को फिट कर सकते हैं। ऐसे फिट करने के बाद आप इस पिन को दोबारा से इस सॉकेट में डाल दीजिए। ये आपकी ऑरेंज वाली वायर पे लग गई। अब गाइस बचती है ब्लैक वायर, वो आप कहीं भी किसी भी सॉकेट में डाल सकते हैं जहाँ आपको ब्लैक वायर दिखे। एक्चुअली ग्राउंड वायर है, आप किसी नट पे भी लगा सकते हैं। तो गाइस ब्लैक वाली वायर मैंने एक सॉकेट में फिट कर दी है जहाँ पे ब्लैक कलर का प्लग ऑलरेडी था। अब हम इसको टेप कर देते हैं। मैं एक बार कनेक्शंस दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ब्लैक वाली वायर ग्राउंड की है, वो आप कहीं भी किसी भी ब्लैक पॉइंट पे लगा सकते हैं। ऑरेंज वाली वायर जो हमने वायर कट की थी उसके अपोजिट जो वायर थी उसमें फिक्स करनी है। आपका जो जॉइंट हमने बनाया था तीन वायर का, वो आपको कट की हुई वायर के एक एंड पे लगाना है, जो बेस एंड है उस पे लगाना है। और जो सिंगल ग्रीन वायर थी वो आपको दूसरे एंड पे लगानी है जो वायर हमने कट की थी। तो ये आपके चारों कनेक्शन परफेक्ट हो चुके हैं, येलो वायर और येलो वायर कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। ये आपका फिक्स हो चुका है पूरा कनेक्शन। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो गाइस टेस्टिंग करते हुए एक और बार आप वेरीफाई कर लेना कि कोई भी आपके जॉइंट्स किसी भी मेटल फ्रेम पे टच नहीं होने चाहिए, मेटल नट पे टच नहीं होने चाहिए, और सब कनेक्शंस अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि अभी हमने टेपिंग नहीं की है, अभी हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं एक बार। टेस्ट करने के बाद अगर सब कुछ सही चलता है तो हम इस पर टेपिंग कर देंगे। तो गाइस टेस्ट करने के लिए अभी हम रिले सॉकेट में डाल देंगे और का GPS भी सॉकेट में डाल देंगे, और ये जो हमने की वाला वायर निकाला था इसको हम एक बार वापस डाल देंगे। तो देखिए गाइस अभी लाइट जल रही है, इसका मतलब हमारे कनेक्शन अभी सही है। एक बार फिर भी हम उसको वेरीफाई करने के लिए येलो वाली वायर जो हमने जॉइंट लगाया था, येलो कलर की जो वायर रिले से आ रही थी उसमें आप कोई भी वायर लगा दीजिए टेम्परेरी, और एक बार स्टार्ट करने के बाद उस वायर को कहीं बॉडी पे टच करेंगे तो बंद हो जाएगी गाड़ी। तो इसका मतलब कनेक्शन सही है हमारा। तो अभी मैं इसमें टेपिंग कर दूंगा और टेपिंग के बाद हम GPS एक बार स्टार्ट करके आपको मोबाइल में दिखाएंगे कि
कैसे आप इसको लोकेट कर पा रहे हैं, गाड़ी को स्टार्ट और ऑफ करते हैं। तो गैस ये है एससी ट्रैक एप्लीकेशन, आप इसे ओपन करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जीपीएस ट्रैकर के नाम से होगी ये, तो आप सिम पे लिखे हुए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का लिंक और आपका रिचार्ज वो ऑटोमेटिकली कर देंगे। उनका सर्विस सेंटर होता है जो कि आपको हेल्प करेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने में। आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा जैसे आप लॉगिन करेंगे, मैंने इसमें ऑलरेडी करके रखा है। तो आपका ये इंटरफेस आ जाएगा, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा जो मैंने अभी हाइड किया हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। लोकेशन पे टैप करने के बाद आपको लोकेशन पता चलती है, गाड़ी की लोकेशन कहाँ पे है। हम बैक जाते हैं और इसमें मैं आपको दो तीन फीचर्स और दिखाता हूँ। जैसे ये लॉक वाला है, हमने रिले इसके साथ में इंस्टॉलेशन किया है तो हमको इंजन ऑफ और इंजन ऑन करने का ऑप्शन प्रोवाइडेड है यहाँ पे। अगर मैं इंजन ऑन कर देता हूँ तो मेरे को अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इंजन ऑफ के बाद में आप गाड़ी कितना भी स्टार्ट करने का ट्राई करो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आपको थर्ड मेन फीचर जो मिलता है वो है पार्किंग वाला। एनेबल पार्किंग करते ही आपका सायरन एक्टिवेट हो जाएगा, जब भी कोई गाड़ी टच करेगा तो आपका फ़ोन एक रिंग देगा आपको कि आपकी गाड़ी टच हुई है। आप उसमें अपना अलार्म भी सेट कर सकते हैं सो दैट अगर कोई आपकी गाड़ी लेके जाता है या फिर कोई आपकी गाड़ी टच करता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जो बताएगा कि आपकी गाड़ी कोई टच कर रहा है या कोई लेके जा रहा है। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फोर्थ मेन फीचर जो है इसका है वो है चार्ट, जिसके अंदर आप अपने गाड़ी की स्पीड या टाइम में किस किस टाइम पे वो कहाँ पे थी वो सब चेक कर सकते हैं। तो अभी मेरी गाड़ी आज नहीं चली है तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन अगर आपकी गाड़ी चलती है हर रोज़ तो आपको यहाँ पे प्रॉपर स्पीड और यहाँ पे डेज भी मेंशन है, कौन कौन से वीक में, कौन कौन से लास्ट 7 डेज में गाड़ी कहाँ कहाँ पे थी, तो आपको क्लियरली यहाँ विजिबल है। स्पीड में भी आपको पता चल जाता है कि क्या स्पीड थी गाड़ी की। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूँ इसका। आप मैप में जाएंगे और आप उसमें रूट्स पे जाएंगे तो आपको लास्ट वीक तक का पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसमें आप मैप के साथ में देख सकते हैं गाड़ी कहाँ कहाँ चली है, कितनी स्पीड में चली है, एवरीथिंग। आई मीन गाड़ी में फ्यूल कितना था और गाड़ी कितना इग्निशन कितनी बार हुई है, रुकी कितने बार है, कहाँ से यू टर्न लिया है, सब कुछ आपको पता चलता है मैप के अंदर। अभी फिलहाल एक वीक तक मेरी गाड़ी कहीं नहीं गई थी तो मेरे को अभी इसमें कोई डिटेल नहीं मिलेंगी। कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स के जैसे ये रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है, इसके अंदर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप किसी को ईमेल करना चाहें ईमेल भी कर सकते हैं और व्यू करना चाहें तो वो कर ही सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी समरी मिल जाती है, पीडीएफ फॉर्म में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार इसको इंस्टॉल कीजिए तो आप इसको और भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो गाइस ये मेरा फुल एंड टू एंड वीडियो था जिसके अंदर आपको मैंने प्रॉपर बाइक के अंदर इंस्टॉलेशन करना बताया और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें डेटा किस तरीके से देखना है वो बताया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में यही बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का बनाऊँ, कुछ आइडियाज़ दे सकते हो। तो अभी के लिए ये बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।